दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आज वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो कुछ बातें हैं रह गई हैं, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसकी दूसरी लिस्ट कब आएगी और जो बाकी सीट बचेगा यानी वेटिंग लिस्ट के लिए लिस्ट दूसरी कब आएगी। तो देखिए, अभी तो दूसरी लिस्ट जो है, जो 1500 लोगों का लिस्ट आ चुका है, उसका डीवी हो चुका है, हो रहा है आपका 12 मार्च से, अभी 4 दिन हुए हैं। और दूसरी लिस्ट देखिए, आपका अभी इस पे काम चल रहा है, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपका ये जो 2 जून तक है अभी डीवी होना है पहले लिस्ट का, तो हो सकता है इसी बीच में ये होते होते तब तक उनका भी लिस्ट आ जाए। तो आप धैर्य रखिए, जिनका भी नहीं आया है तो। और ये है कि जो पहली लिस्ट की जो वेरिफिकेशन हो रही है, इसमें भी कुछ बच्चे जो है नहीं आ रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चे तो हो सकता है किसी का कहीं हो गया हो, दूसरे दूसरे भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं उसमें हो गया हो, तो उसकी वजह से नहीं आ रहे, नहीं आ हो सकता नहीं आ रहे हों। या फिर बहुत सारे लोगों का देखिए CCC का जो गड़बड़ है या बाद में पास हैं, तो उसके वजह से कुछ लोग की छूट जा रही है DV। तो बहुत सारे लड़के जो हैं DV से समझ लीजिए अनुपस्थित हैं DV में। तो आपका हो सकता है कि बाद में इसका सीटों का आकलन करें, कितना सीट बची है, उसके अनुसार फिर कितना गुना बच्चों को बुलाएं, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये बहुत समय लगेगा अभी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि दूसरी लिस्ट जो है लगभग 400 लोगों की, वो कब आएगी, तो ये आप पक्का मान के चलिए कि आपका जो है ये वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके होते होते तक आपकी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि उस पर भी जल्दी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा कराना है। तो सोच रहे हैं कि ये अभी चल रहा है, इसको चलते रहने दें, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए हैं इसको कराने में। तो हो सकता है आपका ये कराते कराते उसका भी जो बच्चा है आ जाए, फिर उनका हो जाए, फिर जब 400 लोगों का आएगा उनका भी होगा। उसके बाद हो सकता है फिर जब आकलन करेंगे, कुछ जो बच्चे डीवी छोड़ दिए हैं उनका फिर सीट का आकलन करेंगे, कितना सीट बचा रह गया है, उसके बाद फिर ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो सीट बची है फिर इसके लिए फिर से डीवी कराया जाए, जो लोअर मेरिट को जाएगा फ़ायदा। तो जो नीचे वाले बच्चे हैं 2-4 नंबर, उनको हो सकता है फ़ायदा मिले, ये मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप धैर्य रखिए, क्योंकि आप अपना उम्मीद बनाए रखिए, और बच्चे छोड़ रहे हैं ये आप अपना थोड़ा सा, इसमें यह है कि आप ये मान के चलिए आप भी हो सकते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, क्योंकि अभी तो 2 जून तक यहीं होगा, फिर उसके बाद जो आएगा 400 उनका होगा तो चलेगा, उसके बाद फिर कब, क्योंकि दूसरी लिस्ट जब आती है अब देखते हैं टाइम लगता है, वैसे ही इसमें इतना टाइम लग चुका है, तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आपको मौका मिल सकता है, जो कट ऑफ से लोअर है उनको फ़ायदा मिल सकता है, 2-3-4 नंबर तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप अपना जो है उम्मीद बनाए रखिए। और CCC समकक्ष की बात है, तो CCC आपका जो भी समकक्ष है वो मान्य है, आप बस जो भी नोटिफिकेशन है उसके पहले के पास होने चाहिए, चाहे कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, जो CCC के समकक्ष है वो मान्य है, बिल्कुल मान्य है। आप धैर्य रखिए,